नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और फटाफट कंटिन्यू करना है क्लास को। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले जो पिछली वीडियो में जो हमारे सवाल थे पहले मैं उसको बताऊंगा। जो दो सवाल मैं आपको थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा एक बार मैं फिर से उसको बताऊंगा कि एक बार वो उस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए और तब हम लोग अपने नए सवालों पर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए हुए मैं फटाफट शुरू करने वाला हूं। मैं आज ज्यादा आपको शेयर करने को नहीं कहूंगा, अगर तुमको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर करना, तुमको लगता है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक करना, मैं नहीं कहूंगा। देखता हूं तुम लोग अपने मन से कितना करते हो, क्योंकि हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब तक बेटा आप अपनी तरफ से ही करेंगे हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बेटा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं आज शेयर के लिए और लाइक करने के लिए, मैं केवल आपको सवालों का जवाब बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि बीच बीच में आप खुद शेयर करते जाना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाना। इससे फायदा ये होता है कि हमको भी प्रोत्साहन मिलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, और जितने लोग बढ़ते हो ना तो हम लोगों को एक और हिम्मत मिलती है कि नहीं यार चलो हम भी इनके साथ में जुड़े रहे, हम लोगों की भी तबीयत खराब चल रही है, हमको खुद ही कल की डेट में अच्छा खासा जुखाम से प्रॉब्लम थी, गले में प्रॉब्लम थी, फिर भी मैं कल पढ़ाया, एक दो सवाल हमारे रुके। उसका रीजन यही था बेटा, जब तबीयत स्वस्थ नहीं होती तो बुद्धि उस तरह से नहीं चलती जैसी चलनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी उतना ही हालात सही नहीं है, तबीयत सही ठीक नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको उन सवालों का जवाब देते हुए फिर हम लोग आज के सवालों पे काम करेंगे और ज्यादा लंबा समय आज नहीं लूंगा मैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि शुरू से ही हमारे साथ सब लोग जुड़ जाओ, बीच में मत आना, गैप आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा बेटा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं बिना टाइम गवाए हुए अपना। पहले मैं पिछले का जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो सवाल आपके सामने है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये सवाल है। इस सवाल में क्या कहा गया था इसको देख लेते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए, फटाफट एक बार चेक किया जाए इस प्रश्न ने क्या क्या बोला है और उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए इस प्रश्न में क्या क्या कहा गया था हम लोगों से। इस प्रश्न में कहा गया था माइनस जो है वो भाग के लिए है बेटा, यानी जो माइनस है वो किसको दिखा रहा है, डिवाइड को दिखा रहा है। देखिए दोस्तों मैं फटाफट बनाता जा रहा हूं, इसी तरह से डिवाइड जो है वो गुणा को दिखाता है। तो देखो बेटा डिवाइड ने किसको शो कर दिया, मल्टीप्लाई को शो कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लस जो है वो घटाने को दिखा रहा है, प्लस जो है वो घटाने को दिखा रहा है। और इसी तरह से बेटा देखिए मल्टीप्लाई जो है वो योग को दिखा रहा है। कहने का सेंस ये हुआ बेटा कि मल्टीप्लाई जो है वो किसके लिए है, प्लस के लिए है दोस्तों। तो ध्यान से देखो ये हो गया वो परिवर्तन जो उसने ऊपर बोलने को कहा था। अब कहा था बेटा कि बताना है कौन सा सही समीकरण है, यही बताना है दोस्तों। बात समझ आ रही है ना, ध्यान से देख चलो। ये सवाल था, अधिकतर बच्चों ने उस दिन बिल्कुल सही जवाब दिया था, लेकिन मैंने कहा था ना कि भाई अगर स्वास्थ्य सही नहीं तो कभी कभी सामने की चीज दिखाई नहीं देती। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। बेटा देखिए अगर हम लोग पहले ऑप्शन पे काम करें, अगर पहले ऑप्शन पे काम किया जाए तो देखो दोस्तों यहां पर प्लस की जगह क्या रख दोगे, माइनस रख दो। माइनस की जगह क्या रखोगे तो बेटा डिवाइड रख दो। इसी तरह से डिवाइड की जगह क्या रखोगे, मल्टीप्लाई रख दो, और डिवाइड टू की जगह क्या रखोगे, प्लस कर दो। अब दोस्तों ये देखो इस वाले पॉइंट को देखिए ध्यान से, तो ये 8 डिवाइडेड 7 है, ये लिखा है ना बेटा। अब ये नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन हो जाएगा यानी भिन्न रूप में हो जाएगा, जबकि आपका आंसर जो है बेटा वो भिन्नात्मक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में डमास रूल का यूज होता है, कहने के लिए इसे बो डमास कहते हैं, इसको अब पूरा नाम है बो डमास, लेकिन यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं इसको डिमास रूल कह रहा हूं। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, यस से सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल यही तरीका लगेगा। अब ध्यान से देखो बेटा इस पूरे में सबसे पहले हम लोग डिवाइड पे काम करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई पे करेंगे, लेकिन जो मामला फंस जाता है वो मामला फंस जाता है यहीं पर कि ये 8/7 हो गया, एक भिन्नात्मक मान हो गया दोस्तों। इस वजह से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इसलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है तो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को अगर चेक करें भैया तो देखिए क्या होगा बेटा, जल्दी से देखा जाए इसको फटाफट एक बार। तो जो दूसरा ऑप्शन है ना बेटा हम लोगों का, जरा उसको चेक करो, उसमें जरा चिन्हों को मैं रखता हूं। देखिए 20 ठीक है, यहां माइनस है तो माइनस के लिए क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां 5 हो गया, ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इतने को सॉल्व करना है और देखना है क्या 15 आता है। अगर 15 आ गया यानी बेटा हम लोग बिल्कुल सही हैं, नहीं आया यानी कि हम लोग गलत हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इनका काम करो, क्योंकि यहां डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, तब प्लस होगा और तब माइनस होगा, ये काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका काम कर लें, तो इनको डिवाइड कर दो, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4, और 4 × 4, और देखिए यहां पर -6 + 5 है ना दोस्तों। आप देखिए 4 × 4 16 हो गया, और देखो ये 6 में से 5 घट गया, -1 आ गया। अब देखो बेटा 16 में से 1 घटा दिया, कितना मिल गया बेटा 15 मिल गया, और यहां भी कितना दिया है 15 ही तो दिया है, यानी कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चों ने कहा था ऑप्शन बी, आप बिल्कुल करेक्ट हैं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अपने आज के सवालों पर, मैं आता हूं आज के प्रश्नों को सॉल्व करता हूं और फिर हम लोग वहां से कंटिन्यू हो जाएंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके आज के प्रश्न हैं जिसमें कहा गया है 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 4, 10 और 14 मिनट, ध्यान से देखो बेटा, 3 घड़ियां हैं क्रमशः 4, 10 और 14 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है दोस्तों, बजते हैं। अब आगे क्या है, तो यदि देखिए, अब यहां से एक लाइन मिस हो गई, तो यदि ये दोपहर 2 बजे, इसको नोट कर लेना है, पहले ये होगा, यदि ये दोपहर 2 बजे 1:07 बजी हूं, ठीक है 1:07 बजी हो, तो बताना है, तो पुनः, अब यहां से यहां आ जाना है, पुनः ये कब 1:07 बजेंगी। ध्यान से देखिए बेटा, सवाल क्या है, 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 4, 10 और 14 मिनट के अंतराल पर यानी गैप पर बजती हैं, ठीक है ना। फिर बोला गया है यदि, देखिए अब यहां से यहां आ जाना है, यदि ये दोपहर 2 बजे 1:07 बजी हो, तो पुनः ये कब 1:07 बजेंगी, यही दिखना है दोस्तों। अब देखिए, ये 3 घड़ियों का अलग अलग टाइम है, आपको तीनों का कॉमन टाइमिंग चाहिए। मैथ में आप लोगों को बहुत पढ़ाया जाता होगा ये चीजें, कि जब कई चीजें दी हो और उसका कॉमन टाइम निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन तीनों का एलसीएम लेते हैं। नियम क्या होता है, उन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एक बार देख लो बेटा, पॉइंट क्या क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि दिखेगा नीचे, 4, 10 और 14, ये तीनों घड़ियों का अलग अलग टाइम है। हम लोगों को क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, तो हमको तीनों का कॉमन टाइम मिल जाएगा कि हाँ ये कितने कितने देर पर 1:07 बजेंगी। तो अगर ये पता चल जाए कि ये कितनी देर पर 1:07 बजती हैं, तो देखिए एक बार का समय यहां दे रखा है कि वो दोपहर के 2 बजे 1:07 बज चुकी है। ध्यान से देखिए बेटा, दोपहर के 2 बजे वो 1:07 क्या हो चुकी हैं, बजी हुई हैं। अब हमको अगला बताना है कि वो फिर से कब 1:07 बजी होंगी, यही पता करना है दोस्तों। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि वो एक बार से दूसरी बार में कितना समय लेती है बजने में 1:07, तो हम फटाफट उतना जोड़ देंगे, तो वही उसका टाइम हो जाएगा, है ना। तो फटाफट आप इसका एलसीएम निकाल लो,
एलसीएम यानी कि लॉसन निकाल लो और फटाफट इसका अगर एलसीएम निकाला जाए बच्चों तो देखिए 4, 10 और 14 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं जल्दी कर सकते हैं, मैं रीजनिंग का टीचर हूं तो मैं अपने बेसिक तरीके से करूंगा। देखिए ये हो गया है ना, और फिर 5 हो गया और 7 हो गया। तो देखिए दोस्तों 7×35 × 70 × 140 मिनट, आपको पता चल गया कि ये घड़ी प्रत्येक 140 मिनट पर तीनों घड़ियां क्या होंगी बेटा, एक साथ बजेंगी। क्योंकि ध्यान देना ये तीनों का एलसीएम है, यानी ये तीनों में कॉमन टाइमिंग है। कहने का सेंस तीनों घड़ियां हर 140 मिनट पर एक साथ बजेंगी। अब बेटा 140 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 140 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना बेटा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 140 में हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 2 घंटे निकाल लो और बचेगा कितना, 20 मिनट। यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट बाद ये घड़ियां फिर से एक साथ बजेंगी, है ना, 2 घंटे और 20 मिनट बाद ये घड़ियां फिर से क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। तो इसने बताया था कि ये जो घड़ी थी वो 2 बजे दोपहर में, ध्यान देना 2 बजे दोपहर में एक साथ बजी है, तो अगला समय पूछा गया था। तो यानी बेटा कहने का सेंस ये हुआ कि सर 2 बजे के 2 घंटे और 20 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी, यही तो मतलब हुआ ना बेटा, ध्यान से समझते चलना। देखिए ये कह रहा है कि भैया हर 2 घंटे 20 मिनट पर एक साथ बजती हैं और इसने ये बता रखा है कि ये 2 बजे बजी थी, तो भैया 2 बजे एक साथ बजी थी तो इसके फिर से 2 घंटे और 20 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो यहां पर, तो 2 घंटे और 20 मिनट जब जोड़ेंगे आप तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 4 बजकर, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:20 PM, PM का मतलब शाम का समय, क्योंकि यहां समय PM में है, तो हमारा यही आंसर है 4:20। अब इसको दिमाग में रख लेना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी हम लोग ऊपर खोजेंगे 4:20 कहां दिया है। चलिए देखिए दोस्तों ऑप्शन पे आ जाते हैं, देखिए हमारे सामने ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ही 4:20 है, देखिए पहला ऑप्शन ही 4:20 है, तो 4:20 ही हमारा सही जवाब है दोस्तों। ध्यान रखना यह सवाल पिछले साल पिछले पेपर में बीएसटीसी में रहा है, जो पिछला पेपर 2018 में बीएसटीसी में हुआ, 2018 में बीएसटीसी का, उसमें यह सवाल था और उसका आंसर है 4:20 PM, यानी कि दोपहर के बाद, दोपहर वाला समय 4:20 का समय ही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे को सवाल बताने में कोई परहेज नहीं होता, लेकिन अगर लड़का पढ़ना चाहेगा तब केवल कोई टाइम पास करेगा तो उसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न देखिए हम लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत ही आसान सवाल, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है रैंकिंग का, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे। ये कहता है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, ध्यान से देखो, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है, है ना बेटा, ध्यान देना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है, ध्यान रखिएगा मैं यहां समझने के लिए लिख रहा हूं, गर्ल्स इज इक्वल टू कह सकते हैं 2 × बॉयज, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है, 2 गुनी है, यानी कहा जाए कि लड़के जितने भी होंगे उसका दुगना क्या होंगी, लड़कियां होंगी। ये मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि तो अभी आगे हम लोग समीकरण बनाएंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहां लिख लिया क्योंकि स्क्रीन में उठाऊंगा तो यह दिखता रहेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 45 है, तो सबसे पहला काम बेटा बिना टाइम गवाए ना फटाफट पहले लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लें, पता तो चले कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसे करोगे बेटा, समझो इसको फटाफट, अब इसको मैथ के फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए। देखिए मान लो, माना लड़कों की संख्या, भैया लड़कों की संख्या बराबर एक्स, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, तो लड़कियों की संख्या ठीक है बराबर कितनी हो जाएगी, 2x, है ना बेटा। अब देखो कुल संख्या 45 बोला गया था,
यानी कि x प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 45, यही बोला गया था कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 45। देख लीजिए एक बार, ये रहा विद्यार्थियों की कुल संख्या 45 है, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ दें तो 45 आना चाहिए। तो देखिए बेटा, हमने वही किया है और कुछ नहीं, देखिए x प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 45 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 यानी x इज इक्वल टू 15। अब देखिये x उन्होंने क्या माना था, लड़कों की संख्या, यानी x का मान 15, यानी लड़के कितने हैं 15, सीधी सी बात है लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो 2 × 15 = 30, ये हो गई लड़कियों की संख्या। देखिए बेटा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दोनों हम लोगों को मिल गई, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हो गई कक्षा में। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पर, सवाल इतना ही नहीं था, सवाल इसके आगे है। अभी देखिए सवाल क्या है, हम लोगों ने संख्या निकाल ली है दोनों की, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है उसकी पंक्ति में, देखिए उसकी पंक्ति में नेहा का स्थान, देखिए ये है नेहा का, नेहा का स्थान पंक्ति में ऊपर से, ध्यान से देखिए इसको, ऊपर से कितना है, 17वां है। मतलब जब वो पंक्ति लगवाई गई, ध्यान से समझिएगा, जब वो पंक्ति लगवाई गई तो नेहा का स्थान ऊपर से कितना हो गया है, 17वां। कहने का सेंस समझो बेटा, मान लो ये कक्षा की पंक्ति लगवाई गई तो इसमें से ये स्थान मान लो 17वां है और यही स्थान किसका है, नेहा का हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले 8 लड़के हूं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसके पहले इस पोजीशन के ऊपर कितने लड़के हैं, तो 8 लड़के हैं, इस बात को ध्यान रखना है, कितने लड़के हैं, तो 8 लड़के हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला है, इसने जो बोला है वो देखा जाए, हाँ देखो दोस्तों, अब उसने कहा, आगे बढ़ते हैं, उससे ऊपर कितने हो गए, 8 लड़के हों तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, ये प्रश्न है। सवाल समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बोला गया था कि नेहा जो है वो कक्षा की पंक्ति में ऊपर से 17वें नंबर पर है और उसके ऊपर 8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, तो बताना है कि नेहा से नीचे कितनी लड़कियां हैं, यही पता करना है, नेहा के नीचे कितनी लड़कियां हैं। अब देखो बेटा, नेहा का स्थान 17वां है और ऊपर 8 लड़के हैं, यानी यहां तक में लड़कियां कितनी हो गई, तो 9 लड़कियां हो गई। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके यहां तक 9 लड़कियां हो गई, तो इससे नीचे कितनी होगी, तो टोटल लड़कियां कितनी थी, हमने अभी निकाला था टोटल लड़कियों की संख्या कितनी थी बेटा, 30 थी ना, टोटल लड़कियों की संख्या कितनी थी, 30। तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, क्लियर दिखेगा। देखिए लड़कियों की संख्या 30 थी, 30 में से 9 लड़कियां ऊपर हैं, है ना, तो 30 में से 9 निकाल दो, बचे कितने, 21। 21 लड़कियां नीचे होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये। इसे कहा था, माना लड़कों की, बोला गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है, तो अगर लड़कों की संख्या एक्स है तो लड़कियों की संख्या 2x हो जाएगी। तो इस हिसाब से कक्षा में कुल विद्यार्थी 45 थे, तो देखिए x प्लस 2x यानी लड़के और लड़कियों को मिला देने पे कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो देखिए 3x हो गया, 3x = 45, तो यह x बराबर 15, यानी देखो बेटा लड़कों की संख्या मिल गई 15, लड़कियों की संख्या कितनी मिल गई, 30। अब बोला गया था कि जब वो क्लास की पंक्ति लगवाई गई तो उस पंक्ति में नेहा का स्थान ऊपर से कितना था, 17 था, और उसके ऊपर 8 लड़के थे, तो क्या अगर उसके ऊपर 8 लड़के थे तो 17 में से 9 बचे ना, यानी कि नेहा के पास तक टोटल 9 गर्ल हो गई, तो 9 गर्ल नेहा तक हो गई, तो टोटल लड़कियां 30 थी, 30 में से 9 ऊपर हो गई, तो नीचे कितनी हुई, 21। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आया कि नहीं आया। मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने पहले बोल रखा है कि आज मैं फिर से एक बार ना तो ये देखूंगा कौन क्या भेज रहा है, मेरी टीम देख रही है और मैं देखता हूं कि आप कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर,
शेयर कितना करते हो, कितना लाइक करते हो हम लोगों को, कि केवल टाइम पास करते हो। मैं बस ये चेक करना चाहता हूं बेटा, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से पर डे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ ईमानदार हो कि नहीं, हम यही चेक कर रहे हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट तीसरे सवाल पे। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, जरूर आपको मैं फिर से समझाऊंगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। सवाल है एक कैलेंडर, देखिए कैलेंडर का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है। एक कैलेंडर का प्रयोग 2017 में हुआ है, बताइए पुनः इसी कैलेंडर का प्रयोग कब किया जाएगा। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दूं। यहां बोला गया है कि यह कैलेंडर कब का है, 2017 का, और पूछा गया है कि कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी दोबारा प्रयोग वाले सवाल हो तो क्या करोगे, समझ लो ध्यान से, ईयर में से इतना हिस्सा निकाल लेना, पीछे का 2 अंक है ना, और निकाल के इसे 4 से भाग दे देना, यानी डिवाइड कर देना। तो जब डिवाइड करोगे बेटा तो 4 चौके 16, यहां पर शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब ध्यान से देखो बेटा, सारा गेम रिमाइंडर का है, सारा गेम रिमाइंडर का है इसमें, और कुछ नहीं। ध्यान रखना बेटा, अगर आपका रिमाइंडर 0 आए, यानी शेष 0 आए, तो इस ईयर में जो ईयर लिखा हुआ है यहां पर, इसमें आप जोड़ देना 28 साल, यानी कि इतने साल बाद ये कैलेंडर फिर से आ जाएगा। बात समझ गए। इसी तरह से बेटा अगर 1 आ जाए ना, तो वहां 6 जोड़ देना, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए यहां पर कितना आया है, 1 आया है, तो 1 का मतलब 2017 में 6 जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, 2023 ही तो आएगा, और यही आपका सही आंसर है। जितने बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जितने लोगों को नहीं पता था वो इसको नोट कर ले, मैं शॉर्टकट बता देता हूं एक बार फिर से। ध्यान रखना तरीका क्या है इसका, शॉर्टकट का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला काम, जो भी ईयर दिया हो, जैसे मान लो दे दिया 1998 का कैलेंडर हम दोबारा कब प्रयोग करेंगे, तो कुछ मत करना, 98 को 4 से भाग दे देना, 24 बार में जाएगा, ध्यान से देखो 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब 2 बचेगा या 3 बचेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी शेष में 2 बचे या 3 बचे तो उसमें जोड़ देना 11 साल, ठीक है, यानी कहने का सेंस। अब देखिए यहां 2 बचा था, तो 1998 में हम 11 को जोड़ देंगे इन दोनों को। अब जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2009, यही आपका इसका आंसर हो जाता, ठीक है, समझ गया तरीका। ध्यान रखिएगा, 0 आएगा तो 28 साल, 1 आएगा तो 6 साल, और अगर 2 या 3 आए तो 11 साल, यही जोड़ा जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिएगा खड़ाघट, तुरंत इसको साइड में नोट करिएगा। छोटी छोटी चीजें, बारीकियां कैलेंडर की, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा कि कभी जिंदगी में ऐसे सवालों का तरीका नहीं देखे होंगे, इतना मजा आने वाला है आपको आगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट, उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते रहिए फटाफट, मैं देखूंगा नहीं, टीम देख रही है और हम देख रहे हैं कि आप कितना जा रहे हैं। मैं नहीं बोलने वाला हूं क्या करना है, वो तुम अपनी बुद्धि प्रयोग करो, कितने लोग होने चाहिए, कितना लाइक जाना चाहिए, तुम जानो। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक डाइस का सवाल है, पूछा गया है, देखिए सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं क्योंकि डाइस के सवाल थोड़े छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, अब उम्मीद है दिख रहा होगा साफ साफ। प्रश्न है ए का विपरीत क्या होगा, प्रश्न है ए का विपरीत क्या होगा दोस्तों। तो देखिए आपके सामने प्रश्न है और डाइस सामने बना हुआ है, देखिए अगर इन दोनों चित्रों को मिलाया जाए तो डी और ई दोनों में कॉमन है, केवल एक बंदा चेंज हुआ है, यहां ए है और यहां उसकी जगह एफ है। तो भैया डाइस का एक रूल है कि जब दो पासों में दो सरफेस समान हो, जैसे देखिए यहां पर ये दोनों सेम है ना, ई और डी, तो एक जो बदलता है, जैसे देखिए ए और एफ, यही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट का मतलब विपरीत होते हैं, यानी कहा जाए तो भैया ए का अपोजिट एफ होगा। जितने बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जा रहे हो,
ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी। शेयर कर दीजिए एक बार, संख्या ज्यादा होनी चाहिए, इतने में काम नहीं चलेगा। शेयर करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। अब नहीं बोलूंगा आगे, ध्यान रखना। कई लोग सोच रहे होंगे सर शुरू में ही कहे थे कि नहीं बोलूंगा और बोल दिए, परेशान मत हो अब नहीं बोलूंगा, अब सीधे लास्ट में जाके बोलूंगा। तो जल्दी जल्दी एक बार शेयर लाइक कर लेना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। परेशान ना हो, एक दिन ऐसी क्लास रखूंगा जिसमें केवल गाना गाया जाएगा, पढ़ा वढ़ा नहीं जाएगा। बहुत हो गई पढ़ाई, थोड़ा सा टाइम पास भी होना चाहिए, हम लोग भी इंसान हैं, है ना। तो बहुत सारा गाना वाना गाया जाएगा, तुम लोग भी वीडियो में गाना लाके भेजना, हम लोग भी गा गा के भेजेंगे, परेशान मत हो। चलो शुरुआत करते हैं अगले सवाल पे। ये एक घन का सवाल है, ये सवाल पीटेट में था, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पीटेट में आया था, जो आपके बीएसटीसी पे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि यहां आया तो आप में नहीं आएगा। ये एक सवाल है, ये कहता है एक 8 सेंटीमीटर के घन को, ध्यान से देखो बेटा, एक 8 सेंटीमीटर के घन को हर तरफ से लाल रंग से रंगा गया, हर तरफ से लाल रंग से रंगा गया, तो इसके पश्चात इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांट दिया गया, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी घन के सवाल आते हैं बेटा, तो इसके लिए आपको हमेशा स्मॉल एन निकलना होगा। स्मॉल एन का नियम क्या है, तो स्मॉल एन का नियम है, मैं लिख दे रहा हूं, बड़े घन की भुजा, ठीक है दोस्तों, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मैं अभी स्क्रीन ऊपर कर दे रहा हूं, आपको दिखाई देगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब देखो दोस्तों, बड़े घन की भुजा यहां कितनी दी हुई है, देखिए 8 सेंटीमीटर है ना, तो बड़े घन की भुजा पे 8 रखिए, और 2 सेंटीमीटर के क्या किया गया है, देखिए छोटे घनों में बांटा गया, यानी छोटे घन की भुजा कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो बेटा n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो देखिए n बराबर हम लोगों का मान कितना आ गया, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा साहब, ये रहा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोगों का n का मान कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, है ना। अब देखिए n बराबर 4 आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न ने क्या बोला है, तो बताइए विभाजन के बाद कितने रंगहीन घन होंगे। घनों के विभाजन का प्रश्न है, ये पूछा गया है, रंगहीन घन बताइए। देखिए दोस्तों, रंगहीन घन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। रंगहीन घन निकालने का फॉर्मूला है, रंगहीन घन बराबर स्मॉल एन माइनस 2 का होल क्यूब, यही फॉर्मूला है। तो स्मॉल एन का मान है 4 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। 8 ऐसे घन हैं जिन पर कोई रंग नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, कि सर 8 घन यहां ऐसे होंगे जिसपे कोई रंग नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ये टॉपिक में जो आपको थियरी पढ़ाऊंगा तो घन के टॉपिक में आपको बहुत मजा आने वाला है, इतना मजेदार तरीके से सिखाऊंगा कि देख लेना सवाल को पढ़ते ही दिमाग में डायग्राम बन जाएगा। इतना बढ़िया सवाल इसको बताऊंगा जिसको जल्दी कोई नहीं समझा सकता, इसको इतने आसान भाषा में सीखोगे जैसे बहुत ही आसान सा हलवा हो। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का स्क्रीन पर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों आपका सवाल, एक पिता और पुत्र की 4 साल पहले आयु का अनुपात इतना है। ऐसे सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से ऐसे सवालों की ट्रिक बताता हूं। देखिए इसकी ट्रिक होती क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। इसने कितना अनुपात बोला है, 5:3, तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, 5:3 को ऐसे लिख लीजिए। फिर उसने क्या बोला, देखिए अगला अनुपात कितना दिया है, 4:2, उसको लिख लीजिए, है ना दोस्तों। देखिए पहले जो अनुपात दिए हैं उसको इस तरह से नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अब क्या करेंगे, तो ये देखिए कि वो कब से कब की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो 4 साल पहले की आयु यहां दी हुई है, ये 4 साल पहले वाली आयु है, और 3 वर्ष बाद वाली ये हो गई। तो टोटल दोनों के बीच का गैप निकाल लो,
तो दोनों के बीच का जब गैप निकालोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों के बीच का जब गैप निकालेंगे तो चार और तीन मिला के सात, तो इसको यहां लिख लो ऐसे, ठीक है बेटा। अगर ये वर्तमान होती, अगर ये पहले वाली वर्तमान होती तो यहां सात नहीं लिखा जाता, यहां कितना लिखा जाता, केवल तीन। लेकिन चूंकि वो चार साल पीछे की बात कर रहा है और फिर तीन साल आगे चला गया, तो चार साल पीछे से तीन साल आगे तक टोटल मिला के कितना गैप हो गया, तो चार और तीन सात साल हो गया, उसको मैंने यहां लिख, देखिए बेटा दोनों अनुपात आ गए। अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए बेटा दोनों अनुपात है, पहला अनुपात था 5:3, दूसरा अनुपात है 4:2, और दोनों का गैप चार साल पीछे से तीन साल आगे, दोनों जोड़ दो तो चार और तीन सात, वो यहां आ गया। अब दोस्तों करोगे क्या, क्रॉस नियम लगाओ, क्रॉस वाला पैटर्न लगाओ फटाफट। अब देखिए क्रॉस पैटर्न होता क्या है, कैसे करेंगे, तो देखिए 5 का गुणा इधर करिए, 4 का गुणा इधर करिए, ठीक है, इसी तरह से इनका गुणा इधर करिए, इनका गुणा इधर करिए, और कर करके दोनों का अंतर निकाल के बीच में लिखिए। जैसे देखिए 4 3 12 5 2 10, दोनों का अंतर कितना आएगा 2, यहां लिख दिया। अब देखो इसी तरह यहां करो 4 7 28 और 7 2 14, दोनों का अंतर कितना आया 14। अब इसको काट दो, 2 1 2, 2 7 14, यानी देखिए जो रिलेशन आया वो कितने का है 1 से 7 का, यानी जब यहां 1 होगा तो यहां 7 होगा। अब देखिए पूछा किसका गया था, देखिए प्रश्न किसका है, ये रहा, देखिए बताना है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें पिता की आयु ऊपर लिखी है और पुत्र की आयु नीचे लिखी है, तो पिता का यहां क्या दिख रहा है 5। तो ध्यान से देखो आपका अनुपात आया था 1:7, यही तो आया था बेटा, देखिए नीचे नीचे क्या आया है रिलेशन, 1:7 आया है। अब देखो कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऊपर 1 आएगा तो उसके अनुपात में कितना जाएगा 7। तो ध्यान से देखो बेटा पिता का ऊपर अनुपात कितना है 5 है ना, तो यहां अगर 5 रखोगे तो यहां कितना हो जाएगा 35। यानी ध्यान देना बेटा जो 4 साल पहले की उम्र थी वो 35 थी, समझ रहे हैं, 4 साल पहले की उम्र कितनी थी 35 थी, तो भैया आज की उम्र कितनी होगी, आज की उम्र के लिए इसमें 4 साल जोड़ दो तो 35 और 4 39, यही है पिताजी की वर्तमान आयु अभी की आयु। देखिए इतना आसान तरीका शॉर्टकट का, फटाफट दोनों का पहले अनुपात लिखा ऐसे करके 5:3 4:2, ध्यान देना ऊपर पिताजी हैं नीचे पुत्र है, फिर दोनों के बीच का गैप कितना था तो 4 साल पीछे से 3 साल आगे तक टोटल 7 साल था, वो लिख दिया गया और फटाफट दोनों का क्रॉस गुणा कर दिया गया। क्रॉस गुणा करके दोनों का अंतर निकाले, रिलेशन आया 1:7 है ना, 1:7, यानी अगर इनकी उम्र 1 साल होगी तो इनकी उम्र का रियल रेशियो आज कितना होगा 7। तो देखो इनके पिताजी की उम्र 5 है तो 5 यहां करोगे तो ये 35 साल हो गई, यानी पिताजी की उस समय साल जो उम्र थी वो 35 साल थी, तो आज की उम्र 4 और जोड़ दो तो 4 साल पहले 35 साल के थे तो आज कितने होंगे 35 और 4 39 साल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से देखना, एक बार दो बार तीन बार देखना, समझ में जरूर आएगा, और फिर भी नहीं आता तो कॉमेंट में बताना, फिर से समझाऊंगा इस सवाल को। आज के में एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, बहुत मजेदार सवाल हैं। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, परेशान बिल्कुल मत होना, दो बार तीन बार चार बार वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, मैं फिर से उसका जवाब बताऊंगा, बिल्कुल उसमें कोई संकोच नहीं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, एक सीरीज का सवाल, आपका फेवरेट टॉपिक। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब सवाल आसान है। देखिए 7 26 63 124 215, फटाफट बस कुछ नहीं करना है, अंतर निकालना है। चलिए देखिए मैं यही कर देता हूं, 7 से 26 कितने का अंतर है 19 है ना, 26 से 63 का अंतर निकालिए। तो देखिए 13 में से 6 जाएंगे 7 और 5 में से 2 जाएंगे 3 हो गया है ना बेटा, देख लीजिएगा पहले 7 से 26 का अंतर निकाला कितना आया 19, फिर 26 से 63 का अंतर निकाला, 13 में से 7 गए 6 5 में से 2 गए 3। आगे बढ़ते दोस्तों, अब इनका अंतर निकालो, 4 में से 3 गया 1 और इनका अंतर निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 11 में से 6 जाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, पांच में से चार गया एक और ग्यारह में से दो जाएगा तो नौ। अब इनके बीच का डिफरेंस देखना शुरू करिए तो देखिए बेटा 19 से 37 हुआ है, 18 का अंतर है, 37 से 51 हुआ है, जरा इसका अंतर निकालिए तो ये हो जाएगा 14, यहां का अंतर 40 है। बात सेट नहीं हो रही, बात सेट नहीं हो रही, कुछ और चल रहा है यहां पे, दिमाग लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए ना। ये तो नहीं है बेटा, ये तो नहीं है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पेन चले, बहुत आसान सा सवाल है, मेरे तो आ गया, अब देखूं आपने क्या आंसर दिया है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए कुछ नहीं है, 2 का क्यूब -1 = 7, इसी तरह देखिए 3 का क्यूब -1 = 26, इसी तरह से 4 का क्यूब -1 ठीक 63, इसी तरह से 5 का क्यूब -1 = 124 करते जाइए, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1, इसी तरह से 9 का क्यूब -1, तो बेटा 10 का क्यूब -1, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 1 घटा दो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों का जो आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन डी कह रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ने चल रहा हूं फटाफट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको आपको लगाना है, इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट में, मैं कमेंट में देखूंगा कितने बच्चों ने क्या जवाब दिया है, मैं बताऊंगा किसने सही दिया किसने गलत। ये बहुत आसान सवाल है, जिसको दिशाएं आती हैं उसका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लेना है और फटाफट कमेंट में भेजना है इसको वीडियो के बाद में। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पाते हैं, आज का आखिरी प्रश्न लेता हूं मैं, ये रहा कैलेंडर का सवाल, बोलता है यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद, देखिए आने वाले कल से तो आज का दिन यस मान लो, तो आने वाला कल ये हो गया, देखिए आने वाला कल यानी आज में 1 दिन बढ़ा दो, से 2 दिन बाद यानी आगे कौन सा दिन बोला गया है बेटा, मंगलवार। तो सबसे पहले आज का दिन निकालो फटाफट, कैसे निकालोगे, तो देखो मंगलवार में से 3 घटा दो तो ये आज का दिन मिल जाएगा, तो मंगलवार में से 3 घटाइए तुरंत जल्दी से, तो सोमवार रविवार और शनिवार है ना, इसका आज का दिन क्या हो गया शनिवार। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया, तो बीते हुए कल, अब देखो भैया शनिवार से 1 पीछे आ जाओ ठीक, के ठीक पहले, ठीक पहले यानी इससे 1 और पीछे है ना भैया, तो यानी शनिवार में से 2 दिन माइनस कर दो, तो शनिवार में से 2 दिन पीछे जाओ तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार, ऑप्शन खोजो ऑप्शन नंबर डी, यही बिल्कुल सही जवाब होगा, जितने बच्चों ने डी बोला है बिल्कुल सही जवाब है, इस सवाल में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए इन सवालों का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर से रिपीट कर देता हूं, आने वाले कल यानी आज का दिन अगर एक्स है तो आने वाला कल 1 दिन ज्यादा, के 2 दिन बाद यानी कि +2, तो x+3 = मंगलवार, तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा शनिवार है ना, अब x शनिवार हो गया, तो बोला गया था बीता हुआ कल यानी शनिवार से 1 दिन पीछे आ जाओ शुक्रवार, के ठीक पहले यानी बृहस्पतिवार, यही आपका सही आंसर है, बृहस्पतिवार ही सही जवाब होगा, जल्दी से देखिए फटाफट आंसर भेजिए, समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिए। ये रहा आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट आंसर आना चाहिए, लुप्त पद बताना है यानी मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए दोस्तों ये आपके सामने सवाल है, चलो इसको लगा लेना, इसको मैं छोड़ता हूं क्योंकि ये आसान है, इसमें दिमाग नहीं लगेगा ज्यादा, ये आपका होमवर्क है, इसे मुझे कमेंट में भेजिए, 2 सवाल आपके होमवर्क हैं, 1 क्वेश्चन नंबर 10 और 1 क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए, 1 ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट गया हूं, और देखिए 1 ये आपका होमवर्क है, 2 सवाल आपके होमवर्क हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अब कहता हूं दोस्तों वीडियो को खत्म होने के बाद अपने सभी दोस्तों में भेज देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ गया है तो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समय से जुड़िए, पर डे क्लास लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आगे भी, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास फिर से 12 बजे है, समय से आ जाइएगा, कहीं जाइएगा मत। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।